आरोपी थाना शहर नुह SHO को मिली जमानत, महिला ने बदले बयान। गुरुवार को थाना शहर नुह SHO विजेंद्र कुमार राठी को थाना शहर नुह क्षेत्र अंतर्गत गांव की एक महिला द्वारा गलत काम करने व किसी अन्य मामले में मुकदमा दर्ज करने की एवज में 30,000 रुपये की मांग करने सहित कई अन्य गंभीर आरोपों के तहत महिला थाना नुह पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के उपरांत कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कुछ घंटे बाद ही आरोपी SHO को महिला के बयान बदलने के चलते जमानत मिल गई है। बता दें कि गुरुवार तक जो महिला अपने शारीरिक शोषण सहित कई गंभीर आरोप थाना शहर नुह प्रभारी विजेंद्र कुमार राठी पर लगा रही थी, उसके सुर शुक्रवार को बदले बदले नजर आए, जिसके चलते SHO को जमानत दी गई है। हाँ, एक महिला की शिकायत पर यह अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय अदालत में पेश किया गया और अदालत वह अर्नेश कुमार की गाइडलाइंस के अनुसार शिकायतकर्ता के होस्टाइल उनके शिकायतकर्ता के स्टेटमेंट चेंज होने के बाद उनको पुलिस बेल पर रिलीज किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन इसमें गहनता से की गई। कंप्लेनेंट स्वयं अपने परिवारजनों के साथ हाजिर आई और उन्होंने अपने बयान में बताया कि मेरे साथ दुष्कर्म जैसी कोई हरकत नहीं हुई थी। उन्होंने जो पहले कंप्लेंट दी हुई थी, जिसके बारे में अभियोग अंकित नहीं किया गया था, उस बात से परेशान होकर उन्होंने यह आरोप लगाकर अभियोग दर्ज कराया था। ऐसी कोई बात नहीं थी, उसके साथ सिर्फ छेड़छाड़ का मामला था जो हमने दर्ज करके और उसमें निरीक्षक विजेंद्र महिला थाना परवारी शहर को गिरफ्तार करके और उनको पुलिस बेल पर रिलीज किया गया है। जो कार्रवाई बनी है उसमें हमने गिरफ्तार करके पेश कर दिया, आगे इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू है। छेड़छाड़ के बारे में तो हमने एक्शन लिया है, लेकिन जो रेप के एलिगेशन थे उसके बारे में उन्होंने अभी डिनाई किया है कंप्लेनेंट ने, तो कंप्लेनेंट के खिलाफ भी 182 की कार्रवाई बाद में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर बनती है तो एक्शन लिया जाता है। जी, हो चुकी है। हाँ, उनको अर्नेश कुमार की गाइडलाइंस के तहत पुलिस बेल पर रिलीज किया गया।